नूरपुर की पंचायत लोहारपुरा में बच्चों की प्रतियोगिता के साथ जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। लोहारपुरा पंचायत के प्रधान कृष्ण हीर ने बताया कि जन्माष्टमी उत्सव पर ग्राम पंचायत लोहारपुरा पंचायत व आसपास के कुछ सहयोगियों द्वारा जन्माष्टमी पर्व मनाया गया, जिसमें 8 साल से लेकर 18 साल तक के लड़के व लड़कियों की दौड़ प्रतियोगिता तथा छोटे बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता करवाई गई, जिसमें विजेता आने वाले बच्चों को स्मृति चिन्ह दिए गए। इसके साथ ही अनीता ठाकुर, जो मार्शल आर्ट में नेशनल जीत चुकी हैं, उसे भी सम्मानित किया गया तथा इसके साथ ही खुबाड़ा स्कूल बस हादसे में जो छोटा बच्चा बचकर ऊपर आया था, उसने सभी को बताया, जिससे कई बच्चों की जान बचाई जा सकी थी, उसे भी सम्मानित किया गया। इसके साथ ही महाशिवराम शास्त्री ने अपने कीर्तन द्वारा तथा महिला मंडल की महिलाओं ने भी भजन कीर्तन द्वारा जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाया। कृष्ण हीर ने बताया कि अगले साल इस कार्यक्रम को और बड़े स्तर पर किया जाएगा। कृष्ण ने कहा कि इस कार्यक्रम में पंचायत के सभी सदस्यों ने सराहनीय सहयोग किया। हम सब पंचायत सदस्यों व सहयोगियों का धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से ये कार्यक्रम सफल हुआ है। आज इस जन्माष्टमी के उत्सव पर ग्राम पंचायत लोहारपुरा द्वारा और कुछ सहयोगियों द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम करवाए गए हैं, जिसमें हमने छोटे बच्चों कुछ रेसेस, जिसमें लड़के लड़कियों की जूनियर्स की रेसेस करवाई हैं, जिसमें फर्स्ट, द्वितीय व तृतीय आए हुए बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। और स्पेशली हमने यहाँ पर एक हमारी कुखरेट से बच्ची है अनीता ठाकुर, जो कि जूडो कराटे की नेशनल चैम्पियन है, उसको भी हमने यहाँ पर सम्मानित किया है। साथ में एक खुआड़ा के आसपास बस का एक्सीडेंट हुआ था, जो स्कूल बस का, उसमें एक बच्चे ने बस से जो निकला था नीचे गिर गया हुआ था, उसने आकर लोगों को बताया था कि यहाँ पर बस गिरी है, और तभी कुछ बच्चों की जिंदगियाँ बच पाई थी। उस बच्चे रणवीर ठाकुर को भी बहादुरी पुरस्कार जो हमने आज दिया है। इसी के साथ साथ बच्चों को जन्माष्टमी के राधा कृष्ण की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता भी करवाई गई, जिसमें बच्चों को जो फर्स्ट, सेकंड और द्वितीय, तृतीय जो भी बच्चे आए थे उनको जो है वो सम्मानित किया गया है। और हमारे बीच महाशिवराम शास्त्री जी, जो कि बहुत अच्छे कलाकार हैं, उन्होंने भी अपने सत्संग से लोगों को अवगत करवाया। और साथ ही हमारी महिला मंडल की बहनें जो सत्संग के कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कि बहुत ही अच्छा रहा और लोगों ने काफ़ी सराहा है। इससे आगे भविष्य में हम चाहेंगे कि इससे भी बड़ा कार्यक्रम हो और बहुत ये जो है एक कार्यक्रम जो वो भविष्य में मेले का रूप ले। और अगले साल कुछ गेमें एक्स्ट्रा हम करवाने जा रहे हैं, जिसमें लोगों की सलाह मशवरे के साथ जो कुछ गेमें भी करवाई जाएंगी। इस आयोजन के लिए जिन जिन साथियों ने हमें सहयोग किया है, उनका मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और साथ में हमारे पंचायत के जो सदस्य थे जिन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय आर्या IAS अकेडमी राजा का तालाब। Oh, 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 oh